chapter challenges of nation building. ठीक है, in this chapter, first of all, we are going to start with the three challenges that we have faced immediately after independence. Clear? So the first challenge was to shape a nation. When we got independence, we were very distraught. बहुत ज़्यादा devastations थे. We were torment. There was not any type of activities that were full-fledged going on in India. So the first challenge that our nation builders face is to how to shape a nation. Shape a nation in the sense, India was a land of continental size, its diversity, how to make it into a unity. हम इसको unite कैसे करें? ये हमारे leaders के लिए सबसे बड़ा challenge था. The second challenge was to establish democracy. At that time, we were pursuing all such activities like how to improve our agriculture, how to improve our industries. Clear? उस समय हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ी problem थी कि हम अपनी democracy को कैसे बचाएं. Almost there were many countries which were colonized by the Britishers. और सभी जब कॉलोनाइजेशन से आज़ाद हुई दे वर इंडिपेंडेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंसी के बाद दे स्टार्टेड विद डेमोक्रेसी. उन्होंने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया, बट सबके लिए उस डेमोक्रेसी को चला के आगे बढ़ाना जो था वो इम्पॉसिबल था. सेम वाज द थिंकिंग विद इंडिया कि इंडिया भी इस डेमोक्रेसी को ना तो बहुत ज़्यादा चला सकेगा ना ही इसको आगे बढ़ा पाएगा. ठीक है, बट वी फेस द चैलेंज, वी फील दैट वी आर एबल टू कोप इट, कोप अप विद इट. ठीक है, हमारे लिए डेमोक्रेसी उस समय चलाना तो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट इवन दो वी स्टार्टेड विद दैट एंड वी वेरी हैप्पीली कोप विद दैट. सभी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटेशन, इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, इतने डिफरेंट कल्चर्स के रहते हुए भी हमने अपनी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया और यूनिटी जो थी वो बना के रखी. थर्ड चैलेंज हमारे पास था इंश्योर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज की मोस्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, नॉट ओनली द अपर क्लास बट द लोअर स्ट्रेटा ऑल्सो, द एसटीज, द एसटीज, द ओबीसीज, इवन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन. सिर्फ एक सेक्शन जो है सोसाइटी का, नॉट ओनली दैट अपलिफ्टमेंट बट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द होल कंट्री. क्लियर? सो हियर दे सेड दैट द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी. पूरी सोसाइटी को साथ में लेके चलना, पूरी सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट, नॉट ओनली द अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी वन सेक्शन. क्लियर? सेकेंड थिंग हमारे पास आती है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसली स्टेट्स? एनीवन फ्रॉम द क्लास? व्हिच आर स्टेट्स व्हिच आर रूल्ड बाय एनी प्रिंस, किंग और क्वीन? यस, वेरी गुड. द स्टेट्स व्हिच आर रूल्ड बाय एनी किंग और क्वीन एट दैट टाइम. तो उस समय जो था, दैट वाज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस फॉर द दीस प्रिंसली स्टेट्स. There are about 565 princely states there at that time, or almost our the leaders of our India, they set them to join with the Indian Union. Indian Union के साथ आप cope up करो, join करो. Many of them they agreed with this statement, but few of them जो थे, they started कि we take our own इंडिपेंडेंट स्टेट, हम अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट जो था वो रखेंगे. ठीक है, तो इसमें से कुछ स्टेट्स थी लाइक जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ठीक है, मणिपुर, जिन्होंने देवर रिलक्टेंट टू ज्वाइन विद द इंडियन यूनियन. वो रिलक्टेंट थे इंडियन यूनियन से ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी बेटा, कि प्रिंसली स्टेट्स जो थी, जो ये कह रही थी कि वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन इंडियन यूनियन, उनको मनाना जो था, दैट वॉज अ वेरी बिग टास्क. एट दैट टाइम सरदार पटेल जो थे, ठीक है, सरदार पटेल जो थे, ही वॉज द लीडर हु डिड सो मैनी एफर्ट्स टू मेक दैम, टू कन्विंस दैम, उनको कन्विंस किया दैट दे ज्वाइन द इंडियन यूनियन. इंडियन यूनियन को वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं. अब यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स को जो था, उनको इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा
ज्वाइन अस, आप हम लोगों को ज्वाइन कर लो, ठीक है, आई विल गिव यू अलाउंस, या फिर आपको जो है आपकी जितनी टेरिटरी यू वांट वो भी आपको दे दी जाएगी, बस आप एक बार इंडियन यूनियन ज्वाइन कर लो। यहाँ पर एक ब्रिटिश पॉलिसी जो थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रही। ब्रिटिश पॉलिसी जो थी उसमें उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल ज्वाइन द इंडिया इंडियन यूनियन ओनली, यू कैन गो टू पाकिस्तान ऑल्सो, आप पाकिस्तान भी जा सकते हो, आप इंडियन यूनियन को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और आप जो है अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट भी रख सकते हो, थ्री ऑप्शन टू द प्रिंसिपल स्टेट्स, क्लियर। और इस चैप्टर में हम जो स्टडी करते हैं बेटा दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन। जो पार्टीशन का टाइम था दैट वॉज द टाइम ऑफ वेरी ड्रास्टिक टाइम, बहुत ही ज़्यादा पार्टीशन के टाइम दोनों साइड्स जो थी वो हॉच पॉच हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस थी बोथ द साइड्स, पाकिस्तान में भी और हमारे यहाँ पर भी, वहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजीज जो थे वो यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ से बहुत सारे लोग जो थे मुस्लिम्स वो उधर जा रहे थे, देयर वर नो एनी अदर यू कैन से नो एनी अदर काउंटर टू दिस थिंग, ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए कुछ हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। तो उस समय रिफ्यूजीज जो थे डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट क्या थी कि हम यहाँ से जो मुस्लिम्स थे देवर गोइंग टू द पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जो हिंदू या सिख थे देवर कमिंग टू इंडिया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन क्या था कि उनको यहाँ पर जगह देनी, दैट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, किस तरह से इतने लाखों की मतलब उसमें लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर हम उनके लिए जगह बनानी, दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन स्टेट एट दैट टाइम, ठीक है।